कक्षा 10वीं की स्टूडेंट फैली आपका यहाँ विषय गणित के त्रैमासिक परीक्षा 2024-25 पे लेके आ चुके हैं। तो इस वीडियो को आपको ध्यान से देखना। आप लोग बहुत से रिकमेंड रहे थे कि यहाँ पर त्रैमासिक परीक्षा पे लाओ, तो फाइनली आपका विषय गणित पे आ चुका है, ठीक है। और पूरा आपका 75 अंक रहेगा, समय आपका यहाँ पर 3 घंटे रहने वाला। और वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम बड़ी मेहनत से आपके लिए लाते हैं, ठीक है। और विद सोल्यूशन सहित आपका यहाँ पर गणित पे कराया जाएगा, ठीक है। तो वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा, साथ ही आपके निर्देश आते हैं तो आप निर्देश पढ़ सकते हैं। सही प्रश्न हल करना अनिवार्य है, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जिनके लिए 30 अंक निर्धारित है, ठीक है। तो आप निर्देश पढ़ सकते हैं। अब चलिए स्टूडेंट, जो आपके यहाँ पेपर बोर्ड देख लेते हैं, तो आपको यहाँ पर थोड़ा जूम करके दिखाते हैं, जिससे आप यहाँ पर अच्छी तरह से देख पाएंगे। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपके पहले तो यहाँ पर आते हैं सही विकल्प चुनकर लिखिए, 6 नंबर के आते हैं। तो पहला था 96 और 404 का SCF होगा, तो आपका था 120, 72 4 और 7 आपका 10 और दाता 3। तो यहाँ पर 96 और 404 का SCF रहेगा, वो आपका 4 रहेगा, 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर आपका यहाँ पर आता दूसरा, निम्नलिखित में से कौन सी अपरिमेय संख्या है, तो आपको अपरिमेय संख्या बताना है। तो आपका आता √2, 12 √3 और 7 √5 और दाता उपयुक्त सभी। तो आपका यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सी अपरिमेय संख्या है, तो इसका आंसर आपका दा रहेगा, उपयुक्त सभी। फिर आपका यहाँ पर तीसरा आता है, जिसमें आप यहाँ पर दिख ली बहुपद x^2+7x+10 के शून्य होंगे, तो आपका जो बहुपद दिया गया है इसका आपको शून्य बताने, ठीक है। तो आपका आता 2 5 और 12 -2 -5, 7 -2 -5 और दाता 2 -5। तो बहुपद x^2+7x+10 के शून्य होंगे, तो इसका आंसर आपका 12 -2 -5। फिर आपका यहाँ पर आता चौथा आता, जिसमें आप यहाँ पर दिख ली निम्नलिखित में से 2 चरों में रेखीय समीकरण है, तो आपको 2 चरों में रेखीय समीकरण बताना है। तो आपका यहाँ पर आता 2x^2+3y=5, फिर आपका बा आता 3x+4y^2=6, फिर आपका 7 आता 4x^2+5y^2=6 और दा आता 5x+6y=7। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो आपका दा हो जाएगा, 5x+6y=7, यह आपका 2 चरों में रेखीय समीकरण है। फिर आपका पांचवा आता है समीकरण x^2+x-1=0 के मूलों की प्रकृति होगी, तो जो आपका समीकरण दिया गया है इसका आपको मूलों की प्रकृति बताना क्या रहेगी। तो आपका तो वास्तविक और समान, वास्तविक और भिन्न, कोई वास्तविक मूल नहीं और दाता इनमें से कोई नहीं, तो इसका आंसर आपका 12 रहेगा, वास्तविक और भिन्न। फिर आपका आता छठवां, −4 −7 किस चतुर्थांश में स्थित है, तो आपको भी −4 और −7, ठीक है, आपको बताना किस चतुर्थांश में स्थित है। तो आपको पता होगा −−, ठीक है, जो जो यहाँ पर ठीक है −4 और −7, ठीक है। तो −−, किस चतुर्थांश में स्थित रहता है, तृतीय में, ठीक है, तृतीय आपका राइट आंसर रहेगा। तो इस तरह से आपके जो यहाँ पर दिए गए थे सही विकल्प 6 नंबर की, वो हमने आपकी बेस्ट सोल्यूशन सहित करा दी है, तो आपने अच्छे से देख लिए होंगे, ठीक है। आप प्रश्न 2 आता है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, 6 नंबर के आते हैं। तो पहला आता 3√2 एक डबल संख्या है, तो यहाँ पर 3√2 एक अपरिमेय संख्या है, तो अपरिमेय आपका राइट आंसर रहेगा। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए, फिर आपका दूसरा आता है द्विघात बहुपद में शून्यकों की अधिकतम संख्या डबल होती है, तो यहाँ पर द्विघात बहुपद में शून्यकों की अधिकतम संख्या होती है 2, ठीक है, 2 होती है, तो आपका 2 आंसर रहने वाला है। फिर आपका तीसरा आता समीकरण 2x+3y=5 में यदि x=1, तो y का मान आपको निकालना है, ठीक है। तो आपको x=1 दिया, तो आपको x ही यहाँ पर 1 रख देना है, तो 2×1 हो जाएगा आपका 2, ठीक है। और फिर जो आपका यहाँ पर जो आपका 2 है, 2 आपका इस साइड जाएगा, तो 5 −2 हो जाएगा, तो आपका 3 आ जाएगा, ठीक है। तो 3y=3 रहेगा, तो y आपका आ जाएगा 3/3, 3 का भाग आप 3 में देंगे तो 1 आ जाएगा आंसर इसका, ठीक है। इसका आंसर आपका 1 रहेगा, y का मान रहेगा आपका 1। तो आपका यहाँ पर आता चौथा, द्विघात समीकरण का विभक्तर ऋणात्मक हो तो मूल डोंट होंगे, द्विघात समीकरण का विभक्तर ऋणात्मक हो तो मूल, ठीक है, जो मूल रहेंगे वो आपके क्या रहेंगे, आप यहाँ पर देख लीजिए, द्विघात समीकरण का विभक्तर ऋणात्मक हो तो मूल वास्तविक और भिन्न होंगे, ठीक है, वास्तविक और भिन्न। तो आपको यहाँ पर लिख के दिखा देते हैं, ठीक है, वास्तविक और भिन्न, ठीक है, इस तरह से आपको इसको याद कर लेना है। फिर आपका यहाँ पर आता है, ठीक है, पांचवा, सभी डॉटो त्रिभुज समरूप होते हैं, तो यहाँ पर सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। फिर आपका छठवां आता, समांतर श्रेणी की कोई 2 लगातार पदों का अंतर डोंडो कहलाता है, तो यहाँ पर समांतर श्रेणी की कोई 2 लगातार पदों का अंतर
सर्वांतर कहलाता है, ठीक है। सर्वांतर आपके इसका आंसर रहेगा, सर्वांतर। तो इस तरह से आपके जो यहाँ पर रिक्त स्थान वो कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है। अब चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर तो आपका आता है, यहाँ पर सही जोड़ी बनाइए जो कि स्तंभ अ ब में दी गई है, ठीक है। पहली आती है आपकी 9 और 27 का एचसीएफ है, तो 9 और 27 का जो आपका एचसीएफ रहेगा वो 9 रहने वाला है, ये आपकी पहली हो जाएगी। फिर आपकी आती है ठीक है त्रिघात बहुपद की घात, तो यहाँ पर जो त्रिघात बहुपद की घात होती है वो 3 होती है, तो आपका ये आपको ये दूसरी हो जाएगी। फिर आपकी तीसरी आती है एक्स प्लस 2y प्लस 3 बराबर 0 में, यदि एक्स प्लस 0 तो वाई का मान आपको निकालना है, ठीक है। तो वाई का मान आपका क्या रहेगा, सिंपली से आपका यहाँ पर वाई का मान माइनस 3 बटे में 2 निकल के आएगा, ये आपकी तीसरी हो जाएगी। फिर आपकी जो चौथी रहेगी द्विघात समीकरण एक्स की घात 2 प्लस एक्स प्लस 1 बराबर 0 का विभक्तर, तो 0 का विभक्तर, ठीक है। तो इसका आपको समान से मैच करना, समान, ठीक है, आपकी चौथी हो जाएगी, सॉरी हाँ सही है सही है। फिर आपके जो है पाँचवा आता है समांतर सरणी का एनव पद, तो समांतर सरणी का एनव पद का सूत्र होता है ए प्लस एन माइनस वन डी, ये आपकी रहेगी पाँचवीं, ठीक है। जो छवीं आती सभी संभावित त्रिभुज होते हैं समरूप, तो ये आपकी यहाँ पर छवीं हो जाएगी। तो इस तरह से आपकी जो सही जोड़ी वो मैच हो जाती हैं, ठीक है। हमने यहाँ पर नंबर भी लिख दिए, तो आप यहाँ पर देख लीजिए। अब चलिए आपका प्रश्न चल रहा था एक है शब्द वाक्य में उत्तर दीजिए 6 नंबर के आते हैं, तो पहला था संख्याओं 8 9 और 25 का एचसीएफ कितना होगा, तो जो आपका इसका यहाँ पर एचसीएफ रहेगा, ठीक है, आपका इसका एचसीएफ एक निकल के आने वाला है, ठीक है, एक एचसीएफ आपका एक रहेगा। और रैखिक बहुपद की घात कितनी होती है, तो यहाँ पर रैखिक बहुपद की घात होती है आपकी एक, ठीक है, इसका भी आंसर आपका एक हो जाएगा। फिर आपका आता रैखिक समीकरण वाई बराबर एम एक्स प्लस 3 में, यदि एक्स बराबर माइनस 2 वाई बराबर 5 हो तो एम का क्या मान होगा, तो आपको ठीक है एक्स वाई के मान आपके दिए हैं, तो आपको समीकरण में रख देना है, और जैसे आप समीकरण में रखेंगे हल करेंगे तो आपका एम का मान जो निकल के आएगा वो आपका माइनस एक निकल के आएगा, ठीक है, माइनस एक, माइनस एक आपका आंसर रहेगा एम का मान। फिर आपका चौथा आता समीकरण ए एक्स का 2 प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 में, ठीक है, 0 में मान बी स्क्वायर माइनस 4 एसी क्या कहलाता है, तो इसका आंसर आपका विभक्तर हो जाएगा, ठीक है, विभक्तर कहलाता है, ठीक है। फिर आपका यहाँ पर देख लेते हैं स्टूडेंट, जो यहाँ पर दिया यदि किसी श्रेणी के पदों की संख्या सीमित ना हो तो उस श्रेणी को कौन सी श्रेणी कहते हैं, तो इसका आंसर रहेगा अपरिमित श्रेणी, अपरिमित, ठीक है, अपरिमित श्रेणी कहते हैं, अपरिमित श्रेणी। फिर आपका छह मात्र मूल बिंदु के निर्देशांक क्या है, तो मूल बिंदु के निर्देशांक आपके 0 0, ठीक है। तो इस तरह से आपके यहाँ पर एक साथ बाकी मुताबिक कंप्लीट हो जाते हैं, और साथ ही स्टूडेंट जो हमने आपको बताया था यहाँ पर, ठीक है, आपके रिक्त स्थान तो आपके हमने करा ही दिए थे, ठीक है, आपके एक से दो वाक्यों में सही जोड़ी भी कंप्लीट हो जाती हैं, और एक से दो वाक्य मतलब भी कंप्लीट। अब चलिए प्रश्न पाँच आता सत्य असत्य का चयन करके लिखिए 6 नंबर के आते हैं, तो पहला आता प्रत्येक अपरिमित संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, तो पहला आपका सत्य रहेगा, और दूसरा आता द्विघात बहुपद के अधिक से अधिक 2 शून्य हो सकते हैं, तो ये भी सत्य रहने वाला है। तीसरा आता दो चरों में एक रेखीय समीकरण के अनेक हल होते हैं, तो ये भी सत्य रहेगा। फिर आपका आता जब डी बड़ा है 0 से तो वर्ग समीकरण के मूल वास्तविक होते हैं, तो ये भी आपका सत्य रहने वाला है। और पांचवा आता वाई अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक वाई 0 रूप के होते हैं, तो ये भी सत्य रहेगा। फिर आपका छठा आता यदि एक त्रिभुज के दो कोण एक अन्य त्रिभुज के क्रमशः 2 कोणों के बराबर हो तो त्रिभुज समरूप होते हैं, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। तो इस तरह से आपके यहाँ पर सत्य सत्य यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। अब प्रश्न 6 आता संख्या 92 और 510 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए, अथवा आता एचसीएफ 657 का 9 दिया गया, तो इसको आपको एलसीएम निकालना है। फिर आपका सातवां आता सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या है, अथवा आता सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट 3 एक परिमेय संख्या है। फिर आपका आठवां आता द्विघात बहुपद एक्स का 2 प्लस 27 प्लस 10 के शून्य ज्ञात कीजिए, और शून्य को तथा गुणांकों के संबंध सत्यता की जाँच कीजिए, अथवा आता एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः 1 और 1 है। फिर आपका नौवां आता है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यकों का योग और गुणनफल क्रमशः 1/4 माइनस 1 है। ठीक है, आपके दो दो अंक के क्वेश्चन हो रहे हैं। अब नौवें का जो अथवा वो देख लेते हैं, तो नौवें का अथवा
आप यहाँ पर देख लीजिए, आपको शून्यों को तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करना है। फिर आपका दसवें क्वेश्चन आता है, देखिए समीकरण वाई बराबर एम एक्स प्लस तीन में यदि एक्स बराबर माइनस दो वाई बराबर पाँच हो तो एम का मान निकाल लेना है आपको। इसका अथवा देख लीजिए, दो किलो सेब और एक किलो अंगूर का मूल 160 रुपये है, तो चार किलो सेब और दो किलो अंगूर का मूल 320 रुपये है। तो बीज गणितीय समीकरणों का निर्माण कीजिए। फिर आपका ग्यारहवां आता है, विलोपन विधि से हल करना अथवा आता प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। ठीक है, दूसरा समीकरण दो एक्स का दो माइनस सात एक्स प्लस छः बराबर जीरो के मूल क्या होंगे। ठीक है, मूल आपको निकालना है। फिर अथवा आता दो संख्या ज्ञात की जिनका योग 17 था गुणनफल 72 हो। ठीक है, तो आपको दो संख्या निकालना है। फिर आपका यहाँ पर तेरहवां आता समांतर श्रेणी के प्रथम पद दो और समांतर आपका दो हो तो अगले चार पद निकालना है। अथवा तीन अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाज्य है। चौदहवां आता बिंदुओं दो तीन और चार एक के बीच की दूरी निकालनी है। अथवा आता बिंदुओं माइनस पाँच और सात और माइनस एक और तीन के बीच की दूरी याद कीजिए। फिर आपका पंद्रवा आता है तो पंद्रवा देख लीजिए, सोलहवां का दसवां पद निकालना आपको। इसमें आपको यहाँ पर दो अंक वाली कितनी संख्या है 3 से विभाज्य। सत्रहवां आता दो संख्या ज्ञात की जिनका योग 17 तथा गुणनफल 72 हो। अथवा आता दो क्रमांक धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। फिर आपका अठारहवां क्वेश्चन आता दो संपूर्ण कोणों बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है उन्हें ज्ञात कीजिए। आपका तीन नंबर का प्रश्न यहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं, इसका अथवा देख लीजिए। फिर उन्हें इसमें आता दुर्गत बहुपद 3x+2+4x है, मनीष 4 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्य को तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जाँच कीजिए। ठीक है, अब आपका यहाँ पर 19वें का अथवा देख लेते हैं। तो 19वें का अथवा आता दो संख्याओं का अंतर 26 और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है उन्हें ज्ञात कीजिए। 20वां प्रश्न आता है तो 20वां प्रश्न देख लीजिए, तीन नंबर का रहेगा। 21वां प्रश्न आप यहाँ पर देते, एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है, यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो खेत की भुजा ज्ञात कीजिए। इसका अथवा भी देख सकते हैं। फिर आपका 22वां प्रश्न आता है, पूर्ण वर्ग विधि से द्विगत समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। इसमें भी आपको अथवा में भी यही करना है। 23वां प्रश्न देख लीजिए, तो फाइनली आपका जो यहाँ पर गणित का पेपर वो कंप्लीट हो जाता है। और साथ ही जो आपके प्रश्न हैं इनका सॉल्यूशन आपको टेलीग्राम ग्रुप में हम डाल दिया, तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। साथ ही इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं, ठीक है, PDF की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन दी गई, तो वहाँ से आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।